राम राम भाइयों, क्या हाल चाल साथियों। आज मैं आया हुआ हूँ हरियाणा हिसार के एक घर की छत पे। यहाँ पे क्यों आया हूँ, यहाँ पे मैं इसलिए आया हुआ हूँ क्योंकि इधर ही छत पे एक लैब बनी हुई है और ये मात्र 15 फीट बाय 10 फीट की छोटी सी लैब के अंदर 3 से 4 महीने के अंदर केसर की खेती करके 20 से 40 लाख के बीच में प्रोडक्शन ली जा रही है। कैसे आप अपनी छत पे ये खेती कर सकते हैं, पूरी डिटेल के अंदर आपको आज जानकारी मिलेगी। तो चलिए मिलवाते हैं आपको किसान से और दिखाते हैं कि छत पे केसर की खेती कैसे हो रही है। आप देखते ही पहले तो समझ गए होंगे कि यार हम आपको बाहर झूठ नहीं बोल रहे थे, सही में यहाँ पे केसर की खेती हो रखी है। भाई साहब एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे देते पहले तो। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम नवीन सिंधु है, मैं हिसार का रहने वाला हूँ जी, और हम यहीं अपनी ये छोटी सी लैब चला रहे हैं जी। जी मेरा नाम प्रवीण कुमार सिंधु है जी और मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हुई है। तो आपने इंजीनियरिंग खत्म कर ली और उसके बाद आपने ये खेती कब चालू करी केसर की? 3 साल हो गए हैं, 2019 में चालू करा। ये कहाँ से पता लगा कि केसर घर पे छत पे भी हो सकता है, टेम्परेचर कंट्रोल करके कर सकते हैं, इसका आइडिया कहाँ से लगा आपको? आइडिया तो ऐसे है कि मतलब ये मान लीजिए इंडोर ये था कि कंट्रोल एनवायरनमेंट में हम कुछ भी ग्रो कर सकते हैं। हाँ जी। फिर वही रिसर्च करते करते इंटरनेट के थ्रू हमने ये पता लगाया कि ईरान में और देशों में, दोहा कतर जैसे गर्म देश में भी ये इस विधि से हो रहा है। अभी ये इंडिया में जस्ट इंट्रोड्यूस हुआ है ये मेथड। ये तकनीक का नाम आपको बताना चाहेंगे, ये एरोपोनिक से खेती हो रही है। एरोपोनिक बेसिकली जो आधुनिक तकनीक है जिसमें हाइड्रोपोनिक्स भी आता है उसी ढंग की है। इसमें ना मिट्टी का इस्तेमाल होता है ना पानी का, सिर्फ ये जो मशीन आप देख रहे हैं इससे जो नमी है, भाप मान सकते हैं आप, ठंडी जो नमी आ रही है उससे ह्यूमिडिटी क्रिएट करके इसकी सारे न्यूट्रिशन की और पानी की पूर्ति की जाती है, यही है एरोपोनिक मेथड। पर यह है कि ना पहले कभी हिंदुस्तान में हुआ, YouTube वगैरह पे थोड़ा देखा, ईरान में हो रहा है, कतार में हो रहा है, तो वहाँ क्या आप गए, देखा वहाँ से कैसे, आपको मतलब ट्रायल कहाँ से शुरू करा? नहीं नहीं गए तो हम कहीं नहीं, बस इंटरनेट से स्टडी कर करके और खुद 2-3 साल हम फेल भी हुए, उसके बाद हमने ये टेक्निक डिजाइन की कि इस तरीके से हम करेंगे तो इसमें सक्सेसफुल हम आराम से हो जाएंगे। ये आपके सामने देख लीजिए, आप केसर के फूल खिले हुए हैं, बिल्कुल आप ये देख सकते हैं, एक नंबर की खेती हो रखी है। इसकी पूरी जानकारी लेंगे A to Z की, ये कैसे उगा रहे हैं, और फिर इसके इकोनॉमिक्स की बात करेंगे कि आप अपने घर की छत पे कैसे ये सेटअप करके इस खेती से फायदा उठा सकते हैं। तो ये कमरा जो है आपका ये बहुत बड़ा सा नहीं है, इसकी क्या है ये लेंथ और विड्थ क्या है? 14 बाय 10 के करीब का कमरा है। 14 बाय 10 का कमरा है, आपकी घर की छत पे ही बना हुआ है ये कमरा, आपका वेस्ट ही हो रहा था एक तरीके से, और इसी के अंदर आप ये 3-4 महीने की जो ये खेती कर रहे हैं केसर की, कितनी प्रोडक्शन आ रही है और आप इससे लास्ट ईयर में कितनी सेल कर पाए? लास्ट ईयर हमने निकाला था इसमें से 1.5 किलो केसर इस लैब से, और 1.5 किलो केसर हमारी दूसरी लैब से, करीबन 3 किलो ने अपना खुद का केसर निकाला था, जो कि लगभग उसमें से कोई 50-100 ग्राम बचा होगा, बाकी सारा का सारा एक्सपोर्ट हो गया था। और कीमत की बात करें तो हम लगभग 5.5 लाख रुपए केजी के हिसाब से हमने बाहर इसको एक्सपोर्ट किया है, क्योंकि जो इसमें से केसर निकलता है ना सर, ये देखिए आप, ये बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी का केसर है जी, जी जी। इसके अंदर ना हम कोई पेस्टिसाइड डालते हैं, कुछ भी ऐसी चीजें नहीं डालते हम, ये इसके अंदर ही ये केसर डायरेक्ट इस ओरिजिनल फॉर्म में ही हम केसर देते हैं सब। अच्छा, तो 3.5 लाख आपने डोमेस्टिक के अंदर कर लिया और जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसको आपने 5.5 लाख रुपए किलो के हिसाब से करा। एक्सपोर्ट किस देशों में ज्यादा है, कहाँ हुआ आपका? अभी सर मोस्टली हमारा USA में गया है। अच्छा। और 1-2 का कनाडा में भी गया है हमारा। अच्छा। हाँ जी, और जो ज्यादा गया है वो बांग्लादेश में गया है। सर एक और है ना कि लास्ट ईयर जो हमारी फ्लावरिंग आई थी ना, उस फूलों में एक एक आ रही थी, इस साल आप देखें ये देखो इसमें 2 फ्लावर आए हुए हैं, इसमें 2 आए हुए हैं, इसमें देखो ये सर 2 फ्लावर आए हुए हैं, इसके अंदर इसमें 3 फ्लावर आए हुए हैं। तो जब आपकी फ्लावरिंग 3 गुना हो रही है तो ऑटोमेटिकली आपकी फसल भी ज्यादा ही निकलेगी। तो ये एक बल्ब से जो इसका बीज कहते हैं उससे 3 फूल निकल रहे हैं। हाँ जी, तो ये लास्ट ईयर जब था हमने स्टार्ट किया था उस टाइम एक ही था, अब इस एक फूल में से कम 3 फ्लावर निकल रहे हैं। आप छोटे से रूम से इसमें ज्यादा भी फ्लावरिंग ले सकते हो। आपकी रिसर्च बेसिकली ये चल रही है कि एक से आप 3 फूल कैसे निकाले, तो मतलब एक बीज से 3 गुना प्रोडक्शन हो गई, हाई यील्ड बोल सकते हैं। ये देखो आप इस ट्रे में दिखाएंगे आपको लगभग पूरा इसका प्रोसेस पता लग जाएगा। अच्छा, सबसे पहले जब ये क्राम आता है ऐसा आता है जैसे, तो ये है इसका बीज। हाँ, ये इसका बल्ब है, बल्ब है ठीक है सर।
इस बल्ब में से जब हम इसको टेम्परेचर वगैरह देते हैं फिर ये ऐसे बर्ड्स निकल जाते हैं। तो ये हो गई जी आपकी स्टेज वन। हाँ ये स्टेज वन होगी। हाँ उसके बाद ये स्टेज टू होगी। आप ध्यान से देखेंगे ना इसके अंदर फ्लावर है। हाँ इसमें से ये आपकी किला निकल गया। हाँ बोलते ये किला निकल गया और इसके अंदर देख रहे हो आप येलो येलो। हाँ ये फ्लावर है। ठीक है ठीक है सर। ये स्टेज आ गई इसकी टू। ठीक है ठीक है सर। उसके बाद आ जाती है स्टेज थ्री। ये स्टेज थ्री में ये है कि जो पर्पल रंग का, हाँ जो ये वाला देख रहे हो आप, ये इसमें से बाहर आ जाएगा जैसे ये आ गया जी। ठीक है सर। उसके बाद फिर ये आएगा स्टेज फोर। अच्छा ये आ गया आपका बड़ा हो गया। हाँ जी फिर ये ऐसे खिलेगा सर जैसे जैसे हम इसको लाइट देंगे ना। तो ये स्टेज फाइव हो गया। हाँ ये जैसे जैसे इसको लाइट मिलेगी उस हिसाब से ये खिलेगा और ये स्टेज ऐसे खिल जाएगा पूरा। ये हार्वेस्ट के लिए रेडी हो जाता है फिर। अब ये इसमें जो है ये केसर है। हाँ जी ये इसमें केसर है। मैं आपको एक दिखाऊंगा इसमें जो दो फूल आए हुए हैं देख रहे हो आप। हाँ हाँ तो हम इसमें से एक फूल को तोड़ देंगे। ठीक है ये देखो इसको हार्वेस्ट करने का जो तरीका है ना जो हम ये वाला तोड़ेंगे जो थोड़ा मुरझाया हुआ है। अब हम इसके अंदर से केसर दिखाएंगे आपको। ये हमने फूल तोड़ दिया है इसको हम ऐसे खोलेंगे। ये हमने इसका वो रख दिया। अब इस डंडी को हम बीच से पकड़ेंगे। अच्छा जी नीचे से। ठीक है सर। जब नीचे से डंडी को पकड़ेंगे तो केसर हमारा ख़राब नहीं होगा। ये देख रहे हैं आप सर ये आपके हाथ में आ गया केसर जिसको बोलते हैं रेड गोल्ड। अच्छा जी आज आपके हाथ में लाल सोना हम दे रहे हैं देख लो। ये है पूछल। पूछ के साथ होता है ना जब ये पूछल केसर बोला जाता है। अच्छा। पूछ के साथ है ये। इसमें दो सवाल है। पहले इसी पे पूछते हैं कि जो आपका फर्स्ट स्टेज है जो बीज डाला उससे लेकर जो हमारा हार्वेस्ट है इसके में कितना टाइम लग जाता है। इसमें करीबन आपके 3 महीने लग जाते हैं सर। 3 महीने लग जाएंगे फ्रॉम सीड टू हार्वेस्ट। हार्वेस्ट तक। ठीक है। और ये किस समय में होता है सर। इसको हम अगस्त 15 अगस्त से लेके 25 सितंबर के बीच में लैब में लगाएंगे। अच्छा। और 15 नवंबर तक सब में फ्लावरिंग हो जाएगी। जैसे अभी आप देख रहे हैं इस ट्रे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है। अभी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई तो धीरे धीरे सब में फ्लावरिंग आ जाएगी। अच्छा। अब जो ये है ये पुष्पल है जो केसर होता है ना ये इस फॉर्म में आप लोगे तो कभी भी आप धोखा नहीं खाओगे। लोग बार बार पूछते हैं कि भाई असली केसर की पहचान क्या है। अगर जो केसर होगी पूंछ के साथ अच्छा वो ओरिजिनल होगी क्योंकि बनाने से। उसके बाद होता है इसको मोगरा बनाना। अच्छा। या तो आप इसको ड्राई करके बनाओ। हम इसको साथ के साथ बना देते हैं। मोगरा होता है जो कि महंगा केसर बिकता है। अच्छा। हमने इसको जो इसकी पूंछ है ना या पीछे से ये इसकी पूंछ को हम तोड़ देंगे। ठीक है। इसको यहाँ रखेंगे और ये देखो ये प्योर केसर हो गया। ये मोगरा बन गया इसका। इसको हम ड्राई करेंगे छाया में सुखाएंगे। ड्राई होने के बाद हम इसको अपने जो भी डिब्बी वगैरह आप उसमें पैक कर सकते हो। तो ये इसमें कहते हैं कि केसर का कोई पार्ट खराब नहीं जाता। नहीं जाता। तो यहाँ पे हमारे पास 3 प्रोडक्ट तैयार हो गए मेरे हिसाब से। हाँ जी। उन तीनों में क्या क्या खासियत है, क्या नाम से जाना जाता है और किस रेट पे बिकता है सर। ये जो है इसको बोलते हैं केसर पट्टी। केसर पट्टी जो पीछे का पीले वाला है। पीले वाला मान लो। हाँ जी इसको बोलते हैं केसर पट्टी। ठीक है। ये करीबन जो सेल होती है मार्केट में ये होती है 20,000 रुपये के जी तक सेल होती है। अच्छा। हाँ जी जो मार्केट जो में केसर पट्टी है। हाँ जी 20,000 रुपये किलो के हिसाब से सेल होती है। जो इसका फूल है फूल होता है 2,500 से 3,000 रुपये के जी। अच्छा। हाँ ये कहाँ काम आता है। ये सर कॉस्मेटिक्स में काम आता है, परफ्यूम के लिए काम आता है। अच्छा। इसमें खुशबू होती है। खुशबू होती है ये अलग है। और जो ये केसर पट्टी आती है काफ़ी सारी दवाइयाँ बनती हैं इसकी। पान में भी यूज़ होता है ये। अच्छा। पान में एक इसको यूज़ करते हैं वो और दवाइयाँ भी बनती हैं इसकी खांसी वगैरह में काफ़ी चीज़ों में यूज़ करते हैं इसको भी। और ये हो गया फिर अपना असली प्रोडक्ट केसर। इसमें तो हर चीज़ में यूज़ होता है ये आपको पता ही है। अब इसकी प्योरिटी की निशानी एक तो इसको आप पानी में डालोगे। अच्छा। तो स्लोली स्लोली ये क्या करेगा कि कलर धीरे धीरे छोड़ेगा। लो आ गया पानी। पानी आ गया। अब मैं इसको इसमें डालता हूँ। ये देखना ये डाल दिया इसमें। अब जो ये प्योर होता है ना जो कलरिंग वाला होता है उसमें क्या होता है कि पानी में डालते ही कोई भी चीज़ अपना एक्सट्रैक्ट आउट कर देती है, मतलब कलर छोड़ देती है। अच्छा। अब आप ये देखना ये धीरे 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 ये अपना कलर इसमें से छोड़ना। अच्छा, शुरू एकदम से पूरा पीला नहीं करेगा। नहीं करेगा ये धीरे 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 धीरे। और दूसरा एकदम कर रहा है तो मतलब रंग चढ़ा रखा है। अब दूसरा ये है आप इसको अपनी जीप पर रखो। अब ठीक है। अब इसको ऐसे रखो, बात करो 2 मिनट में बस, खाना मत। तोतला हो गया। तो अब ये देखना तो अब ये धीरे धीरे आपकी जीभ है ना इसको चबाओगे तो भी येलो कलर हो जाएगा पार्ट स्लोली। अब हम बात करेंगे उस बीच में आपका पता लग जाएगा। बस इसको गिटक मत जाना। नहीं अब देखिए येलो होना शुरू हो गया आपका ये बात करना बड़ा मुश्किल है। हाँ कोई ना आप दिखाओ येलो कलर। अब ये है जो धीरे धीरे एक इसका टेस्ट आपको कड़वा लगेगा। ओरिजिनल केसर हमेशा कड़वी होगी।
तो ये जितना सीड है ये सारा कश्मीर से लाया हुआ है। एक बार सीड मंगवाना पड़ता है, उसके बाद सीड मल्टीप्लाई होता रहता है और हमें उसके बाद सीड की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, ये हर बार सीड मल्टीप्लाई होता रहेगा? हाँ जी। कितने टाइम बाद? ये आप इसको नवंबर से लेके फरवरी तक सीड मल्टीप्लाई का टाइम है, उस टाइम जब हम इस सीड को जमीन में डालते हैं तो ये मल्टीप्लाई करता है। तो यानी कि जब हमने इसकी हार्वेस्टिंग ले ली, फूल तोड़ लिया, जब ये बचा हमारे पास लास्ट में तोड़ने के बाद, इसको फिर हमने खेत में बो देना है। हाँ जी, मिट्टी में लगाना है। हाँ जी, लैब प्लस जमीन का कंसेप्ट है ये। अच्छा। तो ये सारा प्रोसेस एक साल का है, लेकिन जो फसल है वो एक ही बार आएगी, 3 महीने। ये मान लीजिए 15 नवंबर तक खत्म हो जाएगा। खत्म हो लिया, इसके बाद आपकी 8-9 महीने लैब फ्री है या आपका ग्रीन हाउस फ्री है। उसमें आप जगह को यूटिलाइज करते हुए, क्योंकि देखो 10 लाख रुपए लैब में इन्वेस्टमेंट है, आप बटन मशरूम का या काम कर सकते हो, मशरूम का काम कर सकते हो। ये बहुत अच्छा आपने बताया, क्योंकि बटन मशरूम सर गर्मियों में उसकी कीमत 200 रुपए किलो हो जाती है, बिल्कुल, और सर्दियों में बिकता है 80 रुपए किलो। तो अब हमारे पास एसी प्लांट लगा हुआ है, तो आप उसमें इजीली ले सकते हो, इसी में मशरूम कर देंगे। तो इसमें ये जो बीज है ये कितने का पड़ जाता है, और ये कितने बीज से कितना हमें केसर मिलेगा, क्या कैलकुलेशन है? 400 रुपए से लेके 800 रुपए तक इसके सीड का रेट चला जाता है। अच्छा। और जैसे जैसे सीजन आता है तो रेट बढ़ जाता है और इसका, हो जाएगा। जी, आप मान लीजिए 1000 केजी जो बल्ब है, हाँ हाँ, उसमें हम करीबन 1.5 से 2 केजी तक केसर निकाल सकते हैं जो ड्राई फॉर्म है। अच्छा, तो ये 1000 किलो बल्ब यानी कि बीज से आप 1.5 से 2 किलो ड्राई केसर निकाल सकते। दूसरी बात, मान लीजिए आपने 1000 केजी सीड लिया, ठीक है, वो आपका एक सीड कम से कम मिनिमम 4 सीड बनाता है। अच्छा। हाँ, वो सीड 3 साल बाद आपका फसल देने लायक होगा। हुँ. तो आपका जो 4 साल में है वो 4000 केजी सीड आपके पास हो गया है जी। और 1000 केजी ये था, 5000 केजी आपके पास सीड हो गया है। अच्छा। तो सीड की कीमत अगर आप 600 रुपए भी मानते हो तो करीबन आप ये मान लीजिए 24-25 लाख रुपए का आपके पास सीड हो जाएगा। अच्छा, तो ये है कि केसर भी बिक रहा है, उसमें मोगरा अलग से कर रहे हो, इसके फूल भी बिक रहे हैं, बिक रहे हैं, नीचे सीड भी बिक और रहा है, आपका बीज भी तैयार हो गया। हाँ जी, हाँ जी। तो कुल मिला के 20x20 के कमरे से एक रियलिस्टिकली जो मेहनती किसान है, जो ट्रेंड है, जो सीख के समझ के धीरे धीरे कर रहा है, वो कितनी इनकम लेके जा सकता है? ये मान लीजिए एक 2000 केजी सीड से कोई शुरू कर रहा है, हाँ, तो वो 4 से 5 केजी तक केसर निकाल लेगा। लोअर लिमिट भी हम पकड़ते हैं, हाँ, तो 20 लाख रुपए होता है। 20 लाख रुपए हमारा केसर मोगरा हो गया। हाँ, जो ये पार्ट है। हाँ जी। इसके अलावा जो आप जो इसके फूल है, फूल मतलब ये मान लीजिए 1500 रुपए के 2000 रुपए केजी तक इसका फूल बिकता है। कितना फूल निकल आएगा? और फूल भी करीबन 1.5-2 लाख रुपए का आपका इजीली फूल निकल आता है। 1.5-2 लाख का फूल। हाँ, हो गया। हाँ, तो 20 लाख का केसर के बाद फूल थोड़ा लाइट हो जाता है जी। हाँ, लेकिन ये मान लीजिए इतना फूल निकल आता है। अच्छा, तो दो 20 लाख का तो आपका केसर हो गया। हाँ जी। 2 लाख का आप बोल रहे हो आपका फूल हो गया। हाँ, 1.5-2 लाख रुपए का फूल, 1.5 लाख मैं कह रहा हूँ, कम ही बत्ती मान के चलो आप उसको, 1 लाख का आपका फूल हो गया। हाँ। और इसका जो पीली डंडी आप जो पीछे बता रहे थे, ये 15-20 हजार रुपए केजी इसका रेट है। और ये कितना निकले आएगा? 50-60 हजार रुपए से ज्यादा का ही निकल जाता है। तो ये मान के चल रहे हैं हम, इसमें 21-22 लाख के बीच में आपका प्रोडक्शन आ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। और 20 लाख तक का आप बीज तैयार कर सकते हैं, यानी कि 20x20 के कमरे में 40 लाख का आपने माल तैयार कर दिया। अगर आपके पास 10x10 का कमरा है तो वो 10 लाख का हो जाएगा। ह्यूमिडिटी कितनी रखते हैं इसके? ह्यूमिडिटी 65 से शुरू करते हैं हम, 85-90 तक ले जाते हैं। उसके लिए आपने ये जुगाड़ बना रखा है ह्यूमिडिफायर का। और ये जो टेम्परेचर है ये कितना मेंटेन रखना होता है जी? टेम्परेचर हम 24 डिग्री से शुरू करते हैं और लाते लाते इसको 10 डिग्री पे ले आते हैं। लैब बनाने का खर्चा क्या है? ये आपकी जो एक अच्छी यूनिट है वो करीबन ये मान लीजिए 10 लाख रुपए में आपकी तैयार हो जाएगी। जो हमारी लैब है वो 10 लाख में हो जाएगी, उसमें सब कुछ आ जाएगा। ये ट्रे, बीज, जो रैक है, ये लाइटें हैं, चिलर है, ये सारा इंक्लूड हो जाएगा। हाँ जी। और आपकी लैब बन जाएगी, प्लस ह्यूमिडिटी फायर भी है, सब कुछ ठीक है, पूरे पूरी लैब आपकी, सारा कुछ बन के आपका रेडी हो जाएगा। अब इसकी रनिंग कॉस्ट की बात करें, क्योंकि भैया 3-4 महीने एसी चलेगा उसमें खर्चा आएगा, तो बिजली का खर्चा, रनिंग कॉस्ट, जैसे लेबर की कॉस्ट हो गई। सर देखो, लेबर तो इसमें फिलहाल तो कोई लेबर की जरूरत नहीं है, छोटे जो स्केल पे कर रहे हैं उनके लिए। और आप कॉस्टिंग की बात करें चिलर की, बिजली वगैरह की, इनकी जो कॉस्टिंग आती है सर, ये आती है अराउंड 3 महीने का, अगर आप कैलकुलेट करें सारा चीलर का और एसी का खर्चा, करीबन 25-30 हजार रुपये आ जाता है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये केसर पे हाईली इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। जल्दी मिलते हैं कोई और इससे भी बढ़िया फार्म पे, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, राम राम।